शराबबंदी में सभी की भागीदारी एवं सामाजिक जागरूकता आवश्यक। अब्दुल कय्यूम अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार, बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना के अध्यक्ष अब्दुल कय्यूम अंसारी एवं जिला अधिकारी हिमांशु कुमार राय ने संयुक्त रूप से राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे शराबबंदी जागरूकता रथ को स्थानीय परिषद में हरी झंडी दिलाकर रवाना किया। इस अवसर मंत्री ग्रामीण विकास ने राज्य मदरसा बोर्ड के चेयरमैन द्वारा शराबबंदी पर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता रथ की प्रशंसा की। इससे पहले शराबबंदी जागरूकता रथ के जहानाबाद पहुंचने पर अंजुमन तरक्की एवं उर्दू जहानाबाद के लोगों ने एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ साथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ने पुष्प गुच्छ बैठ कर जोरदार स्वागत किया। रथ पूरे जिले के भ्रमण के लिए निकल पड़ी है। उनको ये जिम्मेदारी देता हूँ कि हर रोज बिला तफरीक हिंदू मुस्लिम मोहल्ले हर रोज एक मोहल्ले में जाना है और लोगों को शराबबंदी के सिलसिले में बताना है और शराब की खराबियों को। ये सिर्फ जो आज हम कहते हैं कि 1400 साल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान का नजूल हुआ शराब हराम, मैं ये जानता हूँ कि 6000 साल पहले वेद में भी और गीता में भी इन बुराइयों के रोका गया है। कोई मजहब ऐसा दुनिया में नहीं है जो किसी बुराई को कहता हो कि आप कीजिए, भले उसके मानने वाले। आज इस्लाम में शराब हराम है, बहुत सारे मुसलमान शराब पीते हैं, ये कहकर अपने ऊपर कर लेना कि इस्लाम ने किया है। तमाम मजाहिब, हम गीता की बात करता हूँ, गीता के अंदर जो मुख्य बातें बताई गई कि जो आदमी दुनिया में अगर वो द्वेष से, ईर्ष्या से, गलत बातों से, झूठ से अगर अपने को अलग अलग रखा और निस्वार्थ